नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज का कुछ खास होने वाला है और साथ ही आपको बताते हैं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आज क्या कुछ किया है उन्होंने, जिसमें आपको पता चलता है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या नई सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि आज देश भर में मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधि रही, जनता प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए जिनका आपसे सीधा सरोकार होता है। आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। और शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। राजस्थान के बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत हुए। साथ ही हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगर कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजकल माहौल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा यानी कि AIS से ज़्यादा बच्चे राजस्थान के जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने शिक्षा पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि उनकी सरकार छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है, इससे छात्र की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में बोलते हुए कहा कि जब पेपर लीक हुआ तो सरकार अलर्ट मोड पर आई, तुरंत मामले में कार्यवाही की गई। पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। इससे साफ है कि हमारी सरकार पेपर लीक करवाने वालों पर और नकल माफिया के खिलाफ सख्त है। लोग पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए। फ्री कोचिंग करवाने की बात है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और प्रतिभाशाली हैं उनको विदेश तक भेजने का हमने फैसला किया। पहले 200 बच्चे थे, संख्या बढ़ती गई, इनका 500 बच्चों को प्रति साल भेजने का फैसला किया है। आने जाने के खर्च, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाए, दुनिया के मुल्कों में जाए, एडमिशन हो गया, खर्चा सरकार दे रही, आने जाने का भी, वहाँ रहने का भी और वहाँ की फीस का भी। 2-3 स्लैब बना दिए गए। ये क्यों किया गया कि यहाँ के बच्चे जो हैं आने वाले कल के भविष्य बने, मानव संसाधन के रूप में वो आगे आए और प्रदेश की भी, देश की सेवा भी, अच्छा भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर भी IAS बन रहे हैं, ज़्यादा बच्चे राजस्थान ही जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। ये जो बदलाव आ रहा है उसका कारण भी है कि शिक्षा में हमने जोड़ दिया है। पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, जब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान, 89 विश्वविद्यालय। पहले 18 तक हमारी सरकार आने के पहले तक 250 के लगभग कॉलेज थे, 47 गर्ल्स कॉलेज थे। आज हमने 4 साल के अंदर 303 नए कॉलेज खोल दिए, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स के खोल दिए। ये घोषणा कर रखी है या 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव में या कस्बों में, कहीं पे भी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कि गर्ल्स एजुकेशन महत्व रखती है अपना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की गई, लगातार खोले जा रहे हैं। हम लोग बच्चे जो जाते नौकरी करने के लिए बार बार फॉर्म भरने पड़ते थे, इस बार मैंने घोषणा कर दी है एक बार फॉर्म भर, एक बार फीस दो, बाद में जितनी बार एग्जाम देने जाओगे बार बार फॉर्म भरने की या फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हॉस्टल बन रहे हैं हर जिले के अंदर, जिससे कि बच्चों को आराम मिल सके रहने के लिए। दिल्ली में हॉस्टल बना रहे हम लोग, दिल्ली में उदयपुर हाउस था पुराना, कोर्ट से हम जीत गए, खाली हो गया, वहाँ शानदार हॉस्टल बन रहा है, जो कि कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं दिल्ली में बच्चे, उनको रहने के लिए सुविधा मिल सके। कहने का मतलब है कि एक तरफ 100 जॉब मेगा फेयर लगाने का निर्णय किया अभी हमने, अभी जोधपुर में, बीकानेर में, अभी मैं भरतपुर जाकर बीकानेर पर लाया था, मेगा जॉब फेयर अच्छे लग रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल रही है। अब 100 मेगा फेयर जॉब फेयर लगेंगे तो ऑन द स्पॉट के लोगों की नौकरी लगेगी। तो हमने जो जिस प्रकार कड़ी कार्रवाई करी, पहली बार
बार कोई पकड़े गए पेपर आउट करने वाले, नंबर एक जेलों भेजा गया उनको, डिबार किया गया स्टूडेंट को भी जो हरकतें में शामिल थे, उनके बिल्डिंग दर्ज की गई जयपुर के अंदर, मेरे कानून बना दिया हमने राजस्थान सरकार ने असेंबली के अंदर, कड़ी सजा का प्रावधान उसके अंदर है, सब कुछ किया गया। हम चाहते हैं कि बच्चों को नौकरियां करीब 1.25 लाख 1.5 लाख दे दी हम लोगों ने, 1 लाख 1.25 लाख के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, सब काम हो रहा है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी बजट के अंदर। इस प्रकार से सरकारी स्तर पर नौकरी मिले, इन्वेस्टमेंट बाहर से आए तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलने की संभावना। और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार हो रही ईडी की रेड को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। ईडी की रेड के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा, यहाँ छापा नहीं डाला गया। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अगर कहीं ईडी की कार्यवाही नहीं होती है तो वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां पर ऐसा लगता है कि ईडी का ऑफिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब तक उद्धव सरकार थी तब तक ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसियां सक्रिय थी, जैसे ही सरकार बदली खरीद फरोख्त हुआ उसके बाद ईडी का वहां कोई काम नहीं रह गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग के आधार पर अडानी जिनके संपत्ति तकरीबन 60% की कमी आई है, आखिर वहां जाकर ईडी क्यों नहीं छापे मारती। आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा, उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहां छापा ना डाला। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहां ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी, और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के सारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहां 40% की सरकार है, जहां 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाईकोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहां छापा नहीं डालती। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहां जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहां से भी कार्रवाई नहीं करती, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है, यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं इस कारण से। वो महादेव के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते नहीं, ईडी कोई कार्रवाई करती। अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझी, अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे राहुल जी लोकसभा में बोले, यहां रायपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा, उसके बाद लोकसभा पूरे बाधित, सत्ता पक्ष द्वारा चलने नहीं दिया गया माफी मांगने के नाम से, उसके बाद गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में जो केस लगाया था मानहानि का, उसको गुजरात में शिकायत की गई और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था, 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने, राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे
विकेट करा लिया और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई सब हो गया और 23 मार्च को फैसला आ गया और 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, भाई अडानी मांग कर रहे हैं ना, तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तक लोग कहते हैं हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तो अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है, इसका मतलब क्या समझा जाए। और मिस्टर चीफ मिनिस्टर में बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली बजट सत्र के आखिरी दिन दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कारोबारी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अडानी पर इतना क्यों मेहरबान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन अपने दोस्त के लिए इतना कुछ किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर JPC का गठन हुआ तो अडानी नहीं डूबेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी डूबेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सारा पैसा अडानी का पैसा है, अडानी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी है और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने अडानी को प्रधानमंत्री का मैनेजर भी बता दिया। उनके भाई गुजरात में रहते हैं, उनके लिए किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है आज के जमाने में? कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं, कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया PF वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है, कि ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए। और उसने मेरे को बताया कि, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है, उसको 10% 15% 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, JPC बैठ गई, ED की जांच हो गई, CBI की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनकी उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब बात पंजाब के मुख्यमंत्री भवन मान की, जिन्होंने मोहाली में लापता बच्चों की तलाश के लिए चैट बोट हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। उन्होंने महिला बच्चों की एक साथ मदद के लिए स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि बच्चा गुम होने या फिर खोया हुआ कोई बच्चा मिलने पर चैटबोट हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर पुलिस से मदद ली जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस पब्लिक के बीच की दूरी घटाने के प्रयास जारी होने की बात कही है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि प्रदेश में बच्चों को अगवा कर दिव्यांग बनाकर उनसे भीख मांगने वाली गैंग काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे लापता होने की घटनाएं फरीदकोट से ज्यादा होती हैं, लेकिन पुलिस के डिजिटल होने से वॉकिंग में राहत मिल सकेगी। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में किया गया है। अज का जमाना बदल गया जी। अज कुड़ियां जेड़ियां ने वो पढ़ लिख के अपने पैरां पार होंदियां ने। पहला फिल्मां च भी देखते सीगे कि घरों कढ दिता जांदा सी, अपने आम भी हुंदा सी घरों कढ दित्ती भी फलाना ने। हुण नहीं कढदे जी, घट ने, क्योंकि पहला कल्ली उह जांदी सी, हुण नाल घर दी अद्धी इनकम भी जांदी है। उह कहिंदे नहीं नहीं इत्थे रह, तूं इत्थे रह। फिर आ गई आर्थिकता, फिर जुड़ गई इत्थे। सो जिहड़ी कुड़ी कमाउंदी है उहनूं घरों कढण दे चांस बहुत घट जांदे ने, क्योंकि उन्होंने पता भी कमा के लिया है। नहीं तो उन्होंने बेचारी यही लगे रहा, जे मैं घरों कड़ता फिर मैं की मैं कितने जाऊँगी, बापू के घरें क्यों जाऊँगी, मैं सोशल स्टिग्मा कुड़ी घरें आ गई। सो इस तरह ही बच्चों का लगे रहा, बच्चों पर भी जोड़ा इस तरह का टॉर्चर, जिमें बच्चों ने बहुत सोहना नाटक पेश किया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने बस्ती में एडी एकेडमी में दिव्यांगत डॉक्टर वाईडी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में शिरकत किया उन्होंने। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर वाईडी सिंह की चिकित्सा शिक्षा समाज सेवा के गुणों योगदान के विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हर नागरिक को अपने दायित्वों और कर्तव्यों को समझना होगा, सभी को भारत के विकास के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्ती जिले को महर्षि वशिष्ठ से जोड़ते हुए कहा, किसी जिले में मखौड़ा में राम राज्य की परिकल्पना का संकल्प लिया गया, जिले के विकास को लेकर के कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई। मुंडेरवा चीनी मिल में एथेनॉल बनाया जाएगा, इसके अलावा मुंडेरवा की चीनी को देश विदेश तक भेजने की व्यवस्था बनाई जाएगी, साथ ही बस्ती में महाविद्यालयों को भी विकसित किया जाएगा। बस्ती जनपद, इसकी अपनी एक पहचान है। अयोध्या के एकदम बगल में है और आज से नहीं हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। कहते हैं मुख्य रूप से आश्रम था महर्षि वशिष्ठ का। महर्षि वशिष्ठ ने यहीं से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का जो संकल्प लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसके माध्यम बने थे। और इसलिए यहां पर डबल इंजन की सरकार ने महर्षि वशिष्ठ जी के ही नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया और मेडिकल कॉलेज आज बस्ती के अंदर कार्य कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री अजय सिंह जी को कि मखौड़ा धाम जहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, उस मखौड़ा धाम के पुनरुद्धार का कार्य उनके नेतृत्व में, यहां के जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में सभी समाजसेवी मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल चल गई है, कभी आंदोलन होता था चीनी मिल के लिए, अब वो चीनी मिल इतना गन्ना पेरेगी कि बस्ती का गन्ना कम पड़ जाएगा। अत्याधुनिक चीनी मिल है, 5000 टीसीडी क्षमता की है, एक समय में 50,000 कुंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी उसे, अगर अगर पूरी क्षमता से वो चलने लग जाए तो। और इसके साथ ही उसे हम फाइन शुगर के साथ लेके जाएंगे। फाइन शुगर का मतलब सीधे सीधे यहां की बनी हुई चीनी मुंडेरवा और बस्ती के नाम पर दुनिया के अंदर जाएगी, तो दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगी। इथेनॉल प्लांट भी बहुत शीघ्र लगेगा, चीनी की आवश्यकता मार्केट में नहीं है, इथेनॉल बनाएंगे, हमारे ट्रैक्टर हमारी गाड़ियां
डीजल और पेट्रोल के लिए किसी अरब देश पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि हमारी चीनी की मिलें ही हमें डीजल और पेट्रोल का ग्रीन ईंधन का काम भी यहीं से शुरू हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा, और बिजली भी बनाएगी, कोजन प्लांट भी लगेगा उसमें। यानी अब तो सुगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और साथ ही अगुवाई करने के लिए वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। आपको याद होगा कि आज ठीक सुबह सुबह ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी थी, यानी कि संसदीय जो है संसदीय बोर्ड की बैठक थी, और ऐसे में तस्वीर आपको हम बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय, जेपी नड्डा, और साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री का पूरा काफिला पहुँच चुका है बीजेपी मुख्यालय में, और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। प्रधानमंत्री को शॉल उड़ाते, अभिवादन करते आपको नजर आ रहे होंगे अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा। और आज सुबह ही आपने देखा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड संसदीय समिति की बैठक थी, जिसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी, मुद्दे होंगे जिस पर बातचीत की जाएगी, जैसे कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी यानी कि भाजपा जीत चुकी है उस पर भी बातचीत थी, और साथ ही अब 2024 की प्लानिंग के लिए या फिर आगे की रणनीति के लिए जो बैठक होगी उस पर बातचीत होगी। फिलहाल मिस्टर चीफ मिनिस्टर में बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ, और देखना न भूलें आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर मेरे साथ।